गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आए ठंडी ठंडी हवा लेने और बहुत ही अच्छा वेदर है। बारिश हुई थी कल और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है सर्दियां दोबारा से वापस आ गई हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें, अभी अभी आए हैं तो सोचा व्लॉग बनाएं। आप इन्जॉय करें, आपको वेदर कैसा लग रहा है? वेदर तो काफ़ी अच्छा है, तो इसके साथ साथ जो है ना ये जगह भी काफ़ी अच्छी है। ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ये देखो सब जगह ग्रीन। और मैं भी ग्रीन सूट पहन के आई हूँ। आपने भी बाय चांस ग्रीन शर्ट पहनी? हाँ, आज हमने भी ग्रीन ही पहना है। हमने बोला चलो हम नेचर के साथ ही मिल जाएंगे। बच्चे भी एंजॉय करें, बच्चों की तरफ से बच्चे देख। हाँ निया। नो इट्स डर्टी। ये देखिए हाँ निया, हमने सोचा है कि बाहर निकलें और जो है ना एंजॉय करें बाहर आके, क्योंकि जो है ना घर पे रह रहे के भी कुछ भी नहीं था करने को। वैसे भी अपने आप को हमने आइसोलेट ही किया हुआ था हांगकांग में, तो जो है ना कोविड को लेके काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से सबको कोविड होके ख़त्म हुआ है। ऑलमोस्ट सबको कोविड होके ख़त्म हो गया अभी। तो ये जगह है काफ़ी अच्छी, इस जगह का नाम है नामसंग वाई, और यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं यहाँ साइकिलिंग के लिए। बहुत अच्छा है, हम आज से 6 साल पहले साइकिलिंग के लिए आए थे। हाँ जी, और ये देखें इन दोनों बच्चों के काम, और वो देखें जी ये लोग भी आए हैं इधर फोटो शूट कर रहे हैं, अपनी फोटोग्राफी इनकी भी हो रही है। आज वैसे यहाँ पे रश कम है क्योंकि जो डे है वो जस्ट लाइक नॉर्मल डे है, अगर ये वीकेंड हो तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये देखिए ना यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, फ्रेश एयर। वो हमदा को रोक रही, हमदा नो। किसी और के साथ खेल भाई, हम भी यहाँ पे आए थे, हमने बोला चलो साथ साथ छोटी सी पिकनिक भी हो जाए। वैसे भी ये बहुत अच्छा स्पॉट है पिकनिक के लिए भी। तो ग्रीन है। ये रहा भाई स्मॉल पिकनिक, वो डॉगी। तो भाई ये है यहाँ का कम थिन का फेमस पिज़्ज़ा। यस आवर फेवरेट, सबका ही फेवरेट है। चलें तो फिर हम लोग इन्जॉय करते हैं अपना पिज़्ज़ा, और आप लोग ड्रोन का शूट देखें। आप लोग ड्रोन का ऊपर से व्यू इन्जॉय करें, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लोग बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, तो यहीं पे हम नीचे बैठे हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं मैट पे हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं बैठ के। और यहाँ पर कितनी ग्रीनरी, हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन लग रहा है, और वो साइड से रिवर जा रहा है। बहुत खूबसूरत लगता है ड्रोन से देख के, सब कुछ ऊंचाई से हर तरफ ग्रीनरी है। वो माउंटेन्स भी हैं, क्लाउडी वेदर है, काफ़ी ज़्यादा बारिश के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बारिश तो अभी हल्की हल्की हुई थी, तो देखते हैं अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी हम शूट कर लेते हैं, नहीं तो ड्रोन जो है गीला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे अक्सर जो है ना ऐसी जगह ये यूके या यूरोप में आपको अक्सर देखने को मिल जाती है, वैसे ये हांगकांग में बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी ओपन जगह, क्योंकि हांगकांग है ही छोटा सा। हाँ हांगकांग तो बहुत छोटा है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी ग्रीन ना। ये जो चीज़ ऐसे ओपन ग्राउंड्स ऐसे फार्म टाइप्स ये यूके में काफ़ी ज़्यादा है ना। साइड से रिवर जा रहा है और आपको एक साइड पे ग्रीनरी है, अच्छा है, काफ़ी पीसफुल जगह है। आप आके बैठें, इंजॉय करें थोड़ी देर, क्योंकि सिटी से थोड़ा दूर है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं है यहाँ पे। और साथ में ये अच्छी बात ये है कि आप लोग साइकिलिंग भी कर सकते हैं, और साइकिलिंग वैसे बहुत अच्छी है। चलो फिर हम नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से ड्रोन से वीडियो बनाएंगे। और वेलकम टू जंगल,
ये तो कल रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई, परसों रात से हो रही है, तो इस वजह से ये जगह काफ़ी गीली है, तो बारिश में आने के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी, क्योंकि बच्चे इधर उधर गीली जगह पर फिर रहे हैं। वो देखिए उस साइड पर वो सनफ्लावर थोड़े से लगाए हैं और हार्ट बना हुआ है, फ़ोटोशूट के लिए अच्छा है। हाँ, फ़ोटोशूट के लिए तो अच्छा है भाई। ये देखो भाई हमारे बच्चों को के शूज़ देखो कितने गंदे हो गए हैं आनिया के। फ्लावर हार्ट बनाए, अच्छा आनिया दिस वे। ओके सो जी, ये रहा फ्लावर वाला हार्ट, आर्टिफिशियल ही होंगे तभी तो बचे हुए हैं हम तो तोड़ते। ये देखें जी, येलो येलो भी है ना। लो जी हार्ट आ गया। मुझे लगता है किसी ने वैसे सरप्राइज देने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को खुद ही बनाया होना है। हाँ हाँ बनाया होगा, अगर रिजेक्ट हो गया होगा वो सनफ्लावर भी आर्टिफिशियल है। बना रहे हैं कुछ लड़की जी, ये देखें जी, ये है सनफ्लावर, ये भी आर्टिफिशियल ही है तभी सलामत है। ये देखें भी, ये है यहाँ पर आर्टिफिशियल हट बनाया हुआ है, वो देखो पीछे झोंपड़ी, जंगलियों के कपड़े भी टांगे हुए हैं, वो जंगलियों के कपड़े टांगे हुए हैं। और इधर ये इस बच्ची को सुकून नहीं है, ये दूसरों की जाके साइकिलों को जाना चलाने की कोशिश कर रही है। नो डर्टी, उसको सुकून नहीं है। और ये रहा जी यहाँ का हट, इधर जिन बहू रहता है। तो भाई ये है आज का नज़ारा, यहाँ का सारा गीला हुआ हुआ है, ज़्यादा लोग यहाँ पे साइकिलिंग पे आते हैं, तो साइकिलिंग से ये आपको एडवांटेज होता है ना, आप यहाँ से जाएंगे और दूसरी जगह से आप इजीली होके जा निकल सकते हैं, और यलोंग काला एरिया लगता है। तो आज हम थोड़ी सी इधर की सैर करेंगे, उसके बाद फिर हम टाटा बाय बाय हम भी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जगह गीली है सारा, तो जो है ना ऐसा ही एरिया है। हाँ लेकिन यस वी आर इन अ जंगल। तो भाई ये थी जगह जो हमदा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, वो देखिए सरप्राइज होगी क्योंकि उसने अभी तक विलेज नहीं देखा, तो वो बार बार बोलती मुझे पाकिस्तान लेके जाओ। हाँ तो वो ज़्यादा परेशान इसलिए भी है कि यहाँ पर ये कपड़े कैसे आ गए, बंदा तो कोई नज़र नहीं आ रहा इसको, है कि नहीं। इसकी लिए ये आपने ये रात को जो बू आता है ना फिर वो पहनता है, फिर इसके अंदर सो जाता है वो। हाँ और यहाँ पे इसके अंदर बैठ के अपनी हांडी पकाता है, चिकन कढ़ाई पकाता है इधर, लीफ और चिकन बनाता है। आपको डर लगता है, वो देखो वो वहाँ पे सोता है उधर। अब आप नो कहना नहीं मानोगे, आपको तो छोड़ के जाएंगे हम रात को। आपके लिए बना, आपके लिए नहीं बुलाएगा, बू बोलेगा मेरे लिए काम करे हमदा, फिर बू मुझे जाने देगा। हाँ बस आपको सफाइयाँ करनी पड़ेंगी पहले, फिर मैं बू कार्टून देखती हूँ कि मुझे बू कार्टून देखती हूँ ना, इसलिए आपको इधर रखे हम जाएंगे। चलें हम फिर यहाँ से जी। चलो चलें जी। तो यहाँ पर हर तरफ पानी है, हानिया ने तो अपने शूज़ों का कर लिया बेड़ा वर्क, तो वैसे अगर बारिश ना हुई हो पानी ना हो तो फिर बहुत अच्छा है पिकनिक के लिए, आप बच्चों के टॉयज ले आए। वो उधर वो उधर खेत हैं, खेत बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो जी ये खेत आगे, हाँ जी फैसलाबाद के खेत। हाँ जी हाँ जी, मैं फैसलाबाद गया था ना, उधर ऐसे खेत थे। तो ये देखें भाई ये पूरा एरिया ऐसे ही है, कौन इधर रहता है? इधर 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 कोई भी नहीं रहता। तो वैसे यहाँ पे मेजोरिटी जो आती है ना ज़्यादा साइकिलों पे आती है, क्योंकि साइकिल्स पे जो होता है ना बहुत इजी रही है। हेलो कितने रखे हैं? तो ये था आज का यहीं तक का व्लॉग भाई, क्योंकि आगे आगे जो है ना काफ़ी जगह ख़राब है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे जाके वापस आना, और ऊपर से हमारे बच्चों ने तो तंग करके रखा हुआ हमें।
ये देखें हम दर को टेंशन पड़ी है ना, इधर बताओ आपको टेंशन किस चीज़ की पड़ी, कपड़े कहाँ से आ गए थे? अब हम दर को लग रहा है उधर भूत रहते हैं ना, घोस्ट रहता है, इधर देख के बताओ। घोस्ट रहता है। अब अगर हम दर कहना नहीं मानेंगे घोस्ट हम दर को पकड़ लेगा। हाँ तो पकड़ लेगा, ठीक है ना। फिर हम दर को इधर छोड़, अब अगर ये आपने जगह देख लिया ना, अब हम दर को हम यहाँ छोड़ के आएंगे रात को, अगर जो बच्चा कहना नहीं मानेगा उसको ये इसको भी इसको भी इसको भी, ये तो छोटा है ना, ये भी बहुत तंग करता है, ये बहुत ज्यादा तंग करता है ये छोटा भी। मैं बड़ी जो मैं आपको छोड़ूंगी। तो चलें फिर अभी हम चलते हैं वापस अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि आगे आगे रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, रेन शुरू हो जाएगी, बारिश हो सकती है, तो फिर चलते हैं इधर चलते कहीं और। चलो भाई देखते हैं इधर, टाइम टू गो बैक होम। नहीं नहीं उधर नहीं जाना, उधर भी यही है। चले फिर हम आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे जी। ये तो बिल्कुल ही छोटा सा व्लॉग बना है, लेकिन देखिएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो फिर किसी और बड़े से व्लॉग में मुलाकात करते हैं। हाँ, तो चलो फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये बोल बेटा मम्मी।